जी सर, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शीशपाली जी। अच्छा सर, आज आपने 2021 का उत्तराखंड कला का जो अपना कैलेंडर जारी किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? सर देखो, मंच की गरिमा बनाने के लिए कोई भी काम अगर हम करते हैं तो मंच के हित में ही होता है, तो टाइम टाइम में मंच के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कहीं ना कहीं कोई सामाजिक जो काम है करते रहते हैं। तो मंच जो कैलेंडर विमोचन का हमारा मेन मकसद है, ताकि समाज में इस मंच के प्रति जो जागरूकता है, क्योंकि अभी नया मंच है, इसको हम और इसको स्टेबलाइज करके इसको और पब्लिश करके, ताकि इस मंच का नाम हो और हमें मौका मिले समाज में अच्छे काम करने का, ये हमारा कैलेंडर विमोचन का मकसद होता है। और ये जो आप कैलेंडर हर साल जारी करते हो या इसी साल आपने किया जी? सर पिछले 2-3 सालों से जब से मंच हमने शुरू किया, तो ये हर साल हमारी कोशिश यही होती है कि हर साल इस जो कैलेंडर विमोचन है इसको जारी किया जाए। जो आपकी उत्तराखंड की जो कमेटी, कितने मेंबरों की कमेटी है जिन्होंने जारी की है? सर इसमें 55-60 मेंबर जो एक्टिव है इस उत्तराखंड कला मंच में एक्टिव मेंबर हैं। बाकी हमारी कोशिश है और इस मंच को बढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास है। हमारे प्रधान जी श्री नरेश तिवारी जी, हमारे गौतम बीर जी और जितने भी हमारे यहाँ मंच के जो पदाधिकारी हैं, सबका यही प्रयास है कि इस मंच को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। अंत में मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों, जनता से या अपने सारे पदाधिकारियों से 2021 की शुभकामना देता हूं, और आने वाले समय में जो हमारा एक तो अभी 23-24 तारीख को हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट जो होगा, प्रयास रहेगा कि और भी कोई गतिविधियाँ जो हम समाज के लिए करेंगे, रामलीला तो हमारी होती है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने जो इस मंच को आगे बढ़ाने का नव वर्ष में और उन्नति करें। सबको एक बार और जो 2021 में आप जो क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर रहे हो, ये आप कौन से महीने में करा रहे हो जी? सर जनवरी इसी महीने 23-24 का, अगले हफ्ते में 23 और 24 जनवरी को हमारा जो मकसद होता है, शनिवार और इतवार को हमारी कोशिश होगी। और ये टीमें कहाँ की हैं? लोकल टीमें हमारी जो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी टीमें हैं, सारे उसमें ट्राई सिटी की जितनी भी टीमें, उन्होंने भाग लेना है।